तो हे दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं ग्यारह स्ट्रीट पार्क में। यहाँ पर रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर जी आएंगे, वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि आगरा ताज महोत्सव चल रहा है आगरा में काफी दिनों से। तो यहाँ पर आज ग्यारह स्ट्रीट पार्क के पास, ताजमहल के पास, जो यमुना किनारे पर ग्यारह स्ट्रीट, यहाँ पर कई सारे लोग आएंगे और काफी पतंगबाजी भी हो रही है, बड़े बड़े बैलून्स वगैरह भी उड़ाए जा रहे हैं। और अगर आप भी आगरा में रहते हैं तो आपने भी देखा होगा यहाँ पर काफ़ी टेंट वगैरह लगे थे। तो मैं भी गया दोपहर में वहाँ पर, तो मैं जब गया तो देखा तब कि सारी तैयारी वगैरह हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं शाम को जाऊँगा, कि शाम को ही देखूँगा। और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पास बनता है, और मेरे पास पास नहीं था तो मैं दूर से ही देखता रहा। और जब मैंने देखा कि तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और काफ़ी सारे पतंगे थे, और सामने ताज का व्यू था। ताज के महल का व्यू तो आप जानते हैं कितना ही प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊंगा। तो मैं जब वहां पर गया तो देखा कि वहां पर जो गार्ड वगैरह थे वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि अंदर जाएंगे तो उसके लिए पास चाहिए था, हमारे पास पास नहीं था। तो हम फिर ऐसे दूर से ही देख कर और वहाँ से फिर निकल लिए। और मैं सोचा कि रात में जाएंगे, दूर से ही देख लेंगे। लेकिन जब मैं रात में भी गया तो वहाँ पर देखा कि शाम बहुत ज़्यादा उच्च की थी, और जो उनका परफॉर्मेंस था वो ख़त्म हो चुका था। मैं नहीं जा पाया वहाँ पर परफॉर्मेंस में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे जाने में। तो मुझे ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगा था। तो काफ़ी रात हो चुकी थी और वहाँ पर सभी लोग चले गए थे, तो इसलिए मैं भी फिर सोचा कि मैं घर निकल जाता हूँ। तो मैं भी वहाँ पर चल दिया था घर वापस, इसलिए होता हूँ सोचा कि थोड़ा बहुत घूम ले इससे पहले। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर मैं निकल आया घर के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल ब्लॉग बाय एजिम। तब तक के लिए बाय।